वेलकम टू सिंपल किचन। आज मैं बनाऊंगी चिकन विद पिरामिड कबाब। पहले मैंने चिकन ले लिया ब्रेस्ट पीस, उसको मैंने छोटा छोटा टुकड़ा काट लिया। उसको स्लाइस स्लाइस करना है और बारीक से उसको काटना है, और बहुत ध्यान से काटना है, हाथ ना कट जाए। और उसके बाद बॉल में डाल के लेबू जो है ना, वो लेबू से आपको उसके दाना सीड निकाल के, जो उसको जो बोला था हिंदी में दाना और सीड जो भी हो, कुछ भी निकाल के उसको निचोड़ के उसको मैरिनेशन करना है। मैरिनेशन के मतलब लेबू नहीं, और भी कुछ डालना है मुझे, जैसे दही आप अपने हिसाब से डालना, आपको समझ में आएगा। अच्छा, उसके बाद देना है कसूरी मेथी भी आप अपने हिसाब से डालिएंगे, ठीक है। मैं अपने हिसाब से डाली हूँ, एक चुटकी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक, और नमक भी आप अपना टेस्ट अकॉर्डिंग अब डालना। और उसके बाद अब डालना है ब्लैक पेपर। मैं सारे पैकेट यूज़ करती हूँ, घर पर कुछ नहीं बनाती हूँ मसाला। उसके बाद आपको डालना है जीरा पाउडर, मैं वो घर पे बनाई थी, और धनिया पाउडर, इसको मैरिनेशन कर दिया। टर्मरिक भी दिया थोड़ा सा मैंने, और रेड चिली वो भी फ्लेक वाला। और उसके बाद मैंने एक बॉयल आलू, पहले मैंने बॉयल कर लिया था। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा बॉयल मीन 70% बॉयल किया था, उसको मैंने छील लिया। छीलने के बाद एक स्टिक लूँगी मैं। अच्छा, वो स्टिक जो है ना, वो कबाब का स्टिक होगा, ठीक है। कबाब का स्टिक, जो कबाब जिसमें वो पॉइंटेड होता है ना, वो ऊंट का होता है, वो स्टिक लूँगी। और उसके पहले मैं क्या करूँगी, और कैप्सिकम, टमाटर मुझे वो बारीक से पीस काटना है अपने हिसाब से, और उसमें प्याज भी डालना है अपने हिसाब से, वो सेम का हिसाब से काटना है, और सेम डिज़ाइन होगा, मतलब उसका कैप्सिकम, टमाटर और प्याज एक ही हिसाब से काटा होगा। उसके बाद काटने के बाद देखिए मैं प्याज कैसे काटूँ, स्लाइस करके नहीं, उसमें जैसे कि जैसे टमाटर काटी हो ना, तो सेम है, और उसको भी काटूंगी। उसके बाद जो स्टिक के बारे में बताया था मैंने, स्टिक को मैं लेके उसको पहले वॉश कर लूँगी, क्योंकि वुड में बहुत सारा गंदा भी रहता है, उसको आप पहले वॉश कर लेना। अब स्टिक को मैंने ना वो बॉयल आलू में फिक्स कर दूंगी मिडिल में पॉइंट करके, ठीक है। फिक्स करने के बाद जो मैं चार लिया था, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मेरे घर पे दो पीपल हैं, मैं हूँ और मेरा बेटा है, खाना है, तो मैं चार स्टिक में आलू उसको पॉइंट करके, पहले कैप्सिकम, फिर प्याज, फिर वो चिकन डाल के, हाँ, ऐसे पॉइंट कर करके मैं ऐसे कबाब का तरह मैं उसको पिरामिड की तरह स्ट्रीफ कर दूंगी उसको, ठीक है। सारे में करूंगी, बहुत उसमें क्या है ना, करने के बाद हाँ सबको मैं करूंगी ऐसे ऐसे ऐसे, हो गया। अब इसको मैं क्या करती हूँ जी, आप देख लीजिए, हाँ ऐसा होगा। अब इसको मैं ना माइक्रोवेव में डालना है मुझे, हाँ माइक्रोवेव में डाल दिया। और लेमन जो है ना, लेबू को जो है थोड़ा सा राउंड काट के उसके ऊपर डालना है। तो मैं देखिए लेबू जो है ना, उसको राउंड में काटती हूँ। काटने के बाद जी चार में काटूंगी, चार स्लाइस करूँगी गोल राउंड में, उसको काट लिया मैंने। और उसमें फिर मैं क्या किया, पॉइंट में जो है ना, स्टिक का पॉइंट में मैं डाल दिया, क्योंकि जब मैं माइक्रोवेव में डालूंगी तो उसका जो लेमू का जो है ना, उसका फ्लेवर आएगा पूरा वो चिकन में। और सारे में बारीक हिसाब से लेमू लगा दिया, उसके बाद उसको माइक्रोवेव में डालना है मुझे। अब मैं क्या किया, बारीक से थोड़ा लहसुन और थोड़ा प्याज, थोड़ा टमाटर मैंने काट लिया, क्योंकि मुझे वो राइस भी बनाना है, तो मुझे वो फ्राइड राइस तेल में थोड़ा सा तेल ऑयल डाल के उसमें सब कुछ डाल के मैं भूज के थोड़ा सा हल्का फ्राई करके, हाँ, और मैं इसमें मैं थोड़ा ब्लैक पेपर, थोड़ा चिली फ्लेक,
देके ऐसा राइस होता है ना नॉर्मल सा, ब्लैक पेपर देके मैं थोड़ा सा मक्खन डाल के और राइस जो है, पहले मैं राइस बना लिया था, वो राइस को मैं डाल के फिर मैंने उसको फ्राई कर दिया। फ्राई करने के बाद 2-3 बार मैंने हिला दिया और थोड़ा सा मैं विनीगर उसमें ऐड कर दिया। फिर उसको हिला के फ्राइड राइस रेडी। और थोड़ा सा नमक भी उसको देना है अकॉर्डिंग टू आपको नमक सबको टेस्ट है उसे देना है। देने के बाद फिर उसको मैंने कवर कर दिया और 5 मिनट्स के बाद मैं निकाल के एक कटोरी में राइस को मैंने फिक्स करके अच्छे से डिजाइन करने के लिए उसको मैंने ऊपर हाँ प्लेट में मैंने डाल दिया। उसमें एक टमाटर दे दिया और मेरा कबाब रेडी हो गया 5 मिनट्स में। अब कबाब रेडी हो गया, मैं कबाब के लिए मैं डाल दिया प्लेट में। देखिए मेरा हो गया पिरामिड कबाब एंड राइस। सो इसका नाम मैंने दे दिया राइस विथ पिरामिड कबाब। ये मेरा रेसिपी है सिंपल किस्म का, आप भी खाइए, आप भी सबको खिलाइए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए प्लीज़।